इसराइल के गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होते ही ईरान समर्थित कई चरमपंथी संगठनों ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। हालांकि इन समूहों की इसराइल में बरसों पुरानी दुश्मनी है, बावजूद इसके अब तक छिटपुट हमले करने वाले ये समूह अब खुलेआम हमले कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ये सभी समूह एक साथ मिलकर इसराइल पर हमलावर हैं। गाजा पर हमास के कब्जे का समर्थन करने वाले ये संगठन अब इसराइल को खुली धमकियां देने लगे हैं। हर दिन इन समूहों की ओर से भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इसराइल को कई मोर्चों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है, कभी यमन के हूती विद्रोही तो कभी लेबनान का हिजबुल्ला, तो वहीं इराक और सीरिया के इस्लामिक प्रतिरोध इसराइल पर टूट पड़े हैं। जिस बात का डर अमेरिका समेत पूरे मिडिल ईस्ट को था, वही होने जा रहा है। दरअसल हिजबुल्ला और इसराइल बॉर्डर 7 अक्टूबर के बाद से ही सुलग रहा है और हिजबुल्ला रोजाना इसराइल पर धनाधन रॉकेटों की बरसात कर रहा है, जिसमें कई इसराइलियों की जान भी गई है। लेकिन अब लेबनान से दागे गए रॉकेट ने 27 जुलाई 2024 को इसराइली कब्जे वाले गोलान हाइट्स को निशाना बनाया, जहां मजदल शम्स के ड्रूस शहर के फुटबॉल के ग्राउंड पर एक मिसाइल लगी। दावा है कि इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। इसमें ज्यादातर युवा और बच्चे शामिल थे। ये हमला पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। तीखी दुश्मनी के बाद भी ये एक भीषण हमला है। इससे दोनों देशों के बीच का संघर्ष और बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच कभी भी अब भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। इसराइल ने इस हमले के पीछे लेबनान के हिजबुल्ला समूह का हाथ मानते हुए आरोप लगाया। साथ ही हमले में तमतमाए इसराइल ने तगड़ा जवाब देने की भी कसम खाई है। Hezbollah is attacking our citizens in the north, firing thousands of rockets and missiles and UAVs at northern Israel, targeting families, homes and communities. The IDF is currently holding a situational assessment and we will prepare for a response against Hezbollah. We will finish our assessments and we will act. घटना से जुड़े कई वीडियोस भी सामने आए हैं। इसमें देखा जा सकता है कि फुटबॉल ग्राउंड की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो वहीं बच्चों की साइकिलें गिरी हुई हैं। हमले के तुरंत बाद ही इजरायली रक्षा मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने हालात की जानकारी ली। वहीं एक वीडियो में हमले से उठा बड़ा धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, साथ ही इलाके में सायरन की तेज आवाज भी सुनाई दे रही है। दावा है कि मिसाइल अटैक इतना भयंकर था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। इससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में भी दहशत मच गई। सभी लोग अंडरग्राउंड बंकरों की ओर भाग खड़े हुए। इजरायली सेना ने कहा कि 10 से 20 साल की उम्र के बच्चे ग्राउंड पर मौजूद थे। हमले के समय वे फुटबॉल खेल रहे थे। चश्मदीदों की माने तो हमले से ग्राउंड में भयानक मंजर देखने को मिला, जहां जमीन पर बच्चों के शव पड़े थे और आग लगी हुई थी। खास बात है कि लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने इजरायली दावों को सिरे से खारिज किया। हिजबुल्ला ने कब्जे वाले सीरियाई गोलन हाइट्स के मजदल शम्स गांव पर घातक हमले किए। हिजबुल्ला ने जोर देकर कहा कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अरब न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया कि धमाका शायद आयरन डोम एंटी एयर मिसाइल की वजह से हुआ है, जो अपने रास्ते से भटक गई और मैदान में जा गिरी। हमले की जांच की जा रही है। कई रिपोर्ट से ऐसा संकेत मिलता है कि हमला एक बेकार इजरायली तामीर इंटरसेप्टर के कारण हुआ। वहीं हिजबुल्ला या किसी अन्य समूह का नाम लिए बिना लेबनानी सरकार ने हिंसा और हमलों की निंदा की, साथ ही इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। Fired a rocket at children playing soccer in a soccer field in Majdal Shams in northern Israel. Hezbollah then lied to the whole world and claimed they did not carry out this attack. This is a lie. We can confirm that Hezbollah murdered 10 children in this brutal attack and injured more than 20 were injured in this brutal attack. All were aged between 10 to 20 years old. This is an attack that comes after attack in the north for more than 9 months. बता दें कि इस समय इजरायली पीएम अमेरिकी दौरे पर हैं, मगर उनकी निगाहें इजराइल पर बनी हैं। दावा है कि गोलन हाइट्स पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू ने जल्द लौटने की बात कही। साथ ही कहा कि इजराइल इस जानलेवा हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। कि इसराइल जल्द लेबनान पर हमला कर सकता है। आंकड़ों की माने तो इसराइल ने हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में लेबनान बॉर्डर के पास के शहरों को तबाह किया है। 90,000 से ज्यादा लोग उत्तर की ओर भागने के लिए मजबूर हुए। 460 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं। दावा है कि इनमें ज्यादातर हिजबुल्ला लड़ाके शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एक गलत अनुमान भीषण तनाव को भड़का सकता है। साफ है कि इसराइल को इस हमले पर काफी सोच समझ कर प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
बता दें कि इसराइल ने साल 1968 के युद्ध में सीरिया से गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में लिया, जहां करीब 20,000 से ज्यादा ड्रूस अरब रहते हैं। इसराइल ने साल 1981 में इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी निंदा की। खास बात है कि करीब 4 दशक बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मान्यता देकर आग में घी डालने का काम किया। हालांकि बाकी पश्चिम देश इसराइल को गोलान हाइट्स में मान्यता देने से बचते नजर आए हैं।